आज मैंने जो भी सभा किया हूँ बहुत बहुत उत्साह है, उमंग है। उड़ीसा में डबल इंजन सरकार बनना 100% कंफर्म है। पांडियन जी को जगन्नाथ मंदिर का, महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार का साबी निकाल के देना चाहिए। सरकार बनाना तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये रत्न भंडार का साबी कहाँ गया, इसका बारे में पांडियन जी को जवाब देना चाहिए। ठीक है ना? आप जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट छुपा के क्यों रखा है, इसका बारे में आप बताइए। आप बहुत पाप कर रहा है, थोड़ा सोच लीजिएगा। पांडियन जी को सोच लेना चाहिए, आप महापाप कर रहा है। आप जुडिशियल कमीशन का रिपोर्ट क्यों छुपा के रखा है, दे देना चाहिए आपको। यह बहुत अच्छा है, सीए लागू हो गया। मोदी जी ने अपना और एक बहुत बड़ा वादा उन्होंने निभाया हिंदू समाज के लिए। ये एक बहुत ही सुखद समाचार है। मोदी जी ने हमारे हिंदू समाज को न्याय दिया। मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन। उड़ीसा आके बहुत अच्छा लगा, खास करके आज बनाई में आके आदिवासी समाज से मिलके मुझको बहुत आनंद लगा। सुनाव का बाद में भी एक दिन आऊंगा और थोड़ा सुंदरगढ़ को देखने के लिए भी एक दिन आऊंगा। आज तो सभा के लिए आया, बाद में ऐसे भी एक दिन आऊंगा। मोदी का लहर अभी चल रहा है पूरा, आपका उम्मीद है उड़ीसा में सरकार करेगी? उड़ीसा में 10 जून में बीजेपी का सरकार बनेगा। सुबह 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 11 बजे हमारा शपथ हो जाएगा, तब तक हो ही जाएगा। एक तरफ बीजेडी बोल रही है 9 तारीख को शपथ। देखिए आप बताइए, महाप्रभु जगन्नाथ किसको आशीर्वाद देगा? जो रत्न भंडार का साथ छेड़खाड़ किया उनको आशीर्वाद देगा क्या, मोदी जी को आशीर्वाद देगा? आप ही बताइए, सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। ऊपर वाला का आशीर्वाद से ही तो सब कुछ होता है ना ये पृथ्वी में। आप बताइए, जो जगन्नाथ महाप्रभु का रत्न भंडार का साबी छुपा के रखा है उनको महाप्रभु आशीर्वाद देगा कि जिसने राम मंदिर बनाया उनको आशीर्वाद देगा? आप लोग ही बताइए, आज घर में जाके सोचिए। आप बोल रहे चावल दिल्ली से ऐसे यहाँ बैग देते, खाली बैग देते, दो दो खाली बैग हाथ में पकड़ा दिया, चावल आ गया मोदी जी से और पांडियन ने दो दो खाली बैग लोगों का हाथ में पकड़ा दिया और उसमें भी 300 करोड़ रुपया का खर्चा कर दिया। देखिए क्या दिमाग लगा के बैठा हुआ है। साउल आएगा मोदी जी से और बेग आएगा पांडियन से। सर पांडियन बोल रहे कि उड़ीसा में सरकार होगा? नहीं नहीं, पांडियन का देखिए, हम सपना देख रहा हूँ, लेकिन सपना से ही सिद्धि का रास्ता खोला जाता है। पहले हर लोग बचपन में लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, फिर प्रयास करके डॉक्टर बनते हैं। ऐसा ही बीजेपी ने 10 साल पहले सपना देखा कि हमको सरकार बनाना है। आज वो सपना को सिद्धि का रूप देने का समय आ चुका है। एकदम 100% डबल इंजन। थैंक यू।